हेलो स्टूडेंट, ओके टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विथ योर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सेकेंड पार्ट. व्हाट एवर वी हैव कवर्ड इन फर्स्ट पार्ट, आफ्टर दैट रिमूविंग फ्रॉम देयर. ठीक है, वहाँ जितना देखे थे हम लोग उसके आगे देखते हैं. चैप्टर 6 का टेंजेंट एंड नॉर्मल्स. अब होता है टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होता है, तो आप लोगों को पता ही है टेंजेंट क्या होता है जी. मैंने पहले भी बताया है, जब आप एग्जांपल के लिए आप खड़े हो कहीं पर, है ना, खड़े हो और आपके ऊपर की चीज़ों को देख रहे हो, तो आपका वो पैरल जो हॉरिजेंटल से जो वहाँ पर देख रहे हो उसके बीच में जो एंगल बन रहा है, दैट्स नथिंग बट आवर टेंजेंट. तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक एक्सिस लिया है. तो इस एक्सिस में ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस. मैंने एक पॉइंट लिया पी क्यू लिया है, एक पी आर लिया सपोज, ये पी आर लिया है, और एक लिया है टी सपोज, इसको भी कुछ नाम दे दीजिए आप, टी एम कुछ दे दीजिए. ठीक है, मैंने दो पॉइंट लिया, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पी पर. तो ये पी का कोऑर्डिनेट मेरा एक्स वाई है. तब यहाँ पर सपोज मैं क्या बना रहा हूँ, एक कार्ड बना रहा हूँ, इसको आगे बढ़ाया पी वाले को, तो ये यहाँ पर मैंने एक लिया है कर्व, तो यहाँ पे कार्ड बन रहा है. ठीक है, तो इस कार्ड का इक्वेशन आप कैसे निकालते हो जी, जब इस तरह से दिया रहता है तो आप क्या करते हो, वाई टू माइनस वाई वन, फिर यहाँ पर डेल प्लस डेल वाई माइनस वाई अपान डेल प्लस डे एक्स माइनस एक्स एक्स माइनस एक्स वन करते हो. तो ये चीज़ मैंने लिख दिया, सो दिस इज नथिंग बट आवर डी वाई बाई डी एक्स, जो स्मॉल चेंज हो रहा है उसमें, इस वाले भाग में इतना जो चेंज हो रहा है उसको ऐसे लिखते हैं हम लोग. तो इससे अब हम लोगों को क्या चाहिए, एक टेंजेंट निकालना है ये फाई. मैंने एग्जांपल में आपको क्या बताया कि जो आप देख रहे हो ऊपर से, तो आपके क्षैतिज से जो हॉरिजेंटल है उससे कितना एंगल बन रहा है, तो ये हमारा हॉरिजेंटल हो गया, इससे ये वाला एंगल बन रहा है, तो इसको हमें फाइंड आउट करना है. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा जी, सेम यहाँ पर जो कॉर्ड का होता है उस टाइप से, वाई माइनस वाई वन डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस वाई एक्स वन. तो अब ये पॉइंट हमारा क्या था, एक्स वन वाई वन था. तो ये टेंजेंट क्या हुआ हमारा, टेंजेंट इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ एक्स वन एंड वाई वन. ठीक है, तो इसमें केसेस क्या हो सकते हैं, या तो हमारा इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, या इसकी वैल्यू पाई बाई टू हो सकती है. कैसे, एक्स की वैल्यू जीरो कब होगी, जब हमारा वाई माइनस वाई वन ये वाला जीरो रहेगा, तब इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी. तो इस स्थिति में इसको पैरल बोलेंगे, है ना, पैरल है बोलेंगे, मीन्स एक्स अक्ष के एक्स एक्सिस के हॉरिजेंटल है. और एक्स अक्ष से परपेंडिकुलर कब बोलेंगे, जब इसकी वैल्यू पाई बाई टू होगी, पाई बाई टू दैट मीन्स व्हाट, इसकी वैल्यू जब जीरो हो रही है तब. ठीक है, ये वैल्यू जब जीरो होगी तब हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा. ठीक है, तो ये रहा थ्योरेटिकल पोर्शन. हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ इट बिहेव टेंजेंट एंड नॉर्मल. ठीक है, नाउ वी सी द एग्जाम्पल वन बाई वन. आई हैव टेकन योर एग्जाम्पल वन एंड टू ऑफ योर बुक. फर्स्ट एग्जाम्पल इज वॉट, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस टू एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3. तो हमें क्या है, x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना. तो हम लोगों को स्लोप निकालने के लिए क्या निकालना है जी, मैंने क्या बताया है अभी, हमें साई निकालना रहता है. ये साई हमारा क्या होता है, dy by dx रहता है. तो आप भी वही चीज़ कीजिए, dy by dx निकालिए. तो dy by dx निकालेंगे तो क्या होगा, dy dx, और जो y हमारा है वो दिया हुआ है x क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ये दिया हुआ है. तो आप इसको क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव निकालोगे, तो ये क्या हो जाएगा, थ्री एक्स टू द पावर टू, माइनस थ्री को मैंने बाहर कर दिया, x का वन हो जाएगा, प्लस कॉन्स्टेंट टर्म है तो जीरो. तो क्या आया हमारा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री. अब क्या बोला है हमें, एट पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज थ्री, मीन्स क्या होगा हमारा, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या दिया है, एक्स इक्वल टू थ्री पर हमें फाइंड आउट करना है. तो क्या डी वाई बाई डी एक्स क्या आया है जी हमारा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री आया है, यहाँ एक्स इक्वल टू थ्री पर इसको देखना है. तो इसकी वैल्यू रख दो आप, तो थ्री इंटू थ्री का स्क्वायर माइनस थ्री, तो ये कितना हो गया, थ्री इंटू थ्री थ्री जा नाइन माइनस थ्री, तो ये कितना आया, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, माइनस थ्री इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर. तो ट्वेंटी फोर हमारा एक कोऑर्डिनेट निकल गया. ठीक है, अब देखिए दूसरे एग्जाम्पल में क्या बोला, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व 3x टू द पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4. तो आपको y दिया हुआ है, y कितना दिया है जी, 3x टू द पावर 4 माइनस 4x. तो आप क्या करो, dy by dx निकाल लो, दिस इज नथिंग बट साई.
ठीक है, तो dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू को पुट कर दो तो 3 टू दी पावर 4x माइनस 4x। अब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है बाहर निकल गया, अब 4x x टू दी पावर 4 का करेंगे तो 4x टू दी पावर 4 माइनस 1 दैट इज 3। अब यहाँ इसको करेंगे तो क्या होगा, माइनस का माइनस लगा दिया, 4 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिया, x का करीब कीजिएगा तो 1, तो क्या आया हमारा 4 3 जा 12, 12 x का क्यूब माइनस 4। अब क्या करना है आपको, 8x इक्वल टू 4, तो क्या कहिए, dy बाई डी एक्स x इक्वल टू 4 पे, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आई है, 12 x क्यूब माइनस 4, इसकी x इक्वल टू 4 पे वैल्यू पुट कर दो आप, तो क्या आ जाएगा, 12 4 का क्यूब माइनस 4, तो ये कितना आया 12, और 4 का क्यूब करोगे तो 4 4 जा 16, और 16 4 जा कितना होगा, उसकी वैल्यू को आप रख दो तो 16 4 जा होगा हमारा 704, ये हो गया 16 इंटू 4 माइनस 4, तो ये हो गया 768 माइनस 4, तो कितना आया हमारा 764, 764 इसकी वैल्यू आ गई। तो आपको जैसे जैसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा 8x इक्वल टू 4 या y इक्वल टू 4, जो भी आपको फंक्शन दिया रहेगा उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है, क्लियर है, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट थ्योरी की ओर बढ़ते हैं। ओके, अब क्या है हमारा, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स एट द गिवन पॉइंट, x1 y1 हमें पॉइंट दिया रहेगा, तो क्या होता है, तो आप लोगों को ये चीज पता है कि कोई कोऑर्डिनेट प्लेन है उसमें हमारा एक टेंजेंट और नॉर्मल रहता है, तो इस टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है जी, m1 into m2 is equal to minus 1, दोनों का जो स्लोप होता है उसको आप इंटू करोगे तो किसके इक्वल होता है, माइनस वन के इक्वल होता है, तो वही चीज ये ही लिखा। तो सपोज यहाँ पर अब हमारा कर्व है, तो कर्व में कैसे करेंगे, तो कर्व है तो क्या करो आप, हमें एक वैल्यू को m मान लो, एक तो नहीं पता, एक तो हमें पता है, इसका तो पता है हमें, तो dy by dx x1 y1 माइनस 1 लिख दिया, अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकल गई, तो अभी क्या देखे थे हम लोग, y माइनस वाई वन वन अपान डी वाई बाई डी एक्स एक्स वन वाई वन इज इक्वल टू वाई एक्स माइनस एक्स वन, ये देखे थे। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ से चाहो तो आप dy बाई डी एक्स निकाल सकते हो, dy वाई बाई डी एक्स एक्स वन वाई वन का क्या हो जाएगा जी, यहाँ से y माइनस वाई वन और x माइनस एक्स वन, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ से आप dy by dx निकाल सकते हो, तो आपको जब गिवन पॉइंट दिया रहेगा तो आपको कुछ इस तरह से करना है। चलिए हम लोग एग्जांपल से देखते हैं कि ये वाला जो है वो कैसे निकालेंगे, ठीक है। ओके, अब क्या है, अब हमारा एग्जांपल 3 पेज नंबर 481, तो इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 4x हमारा एक कर्व दिया है एट द पॉइंट 1 2, हमारा पॉइंट दिया है 1 2, तो इसमें कैसे करेंगे जी, अब जो हमें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दिया हुआ है उसमें से हमें नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस वाई वन माइनस वन अपान वन वन अपान डी वाई बाई डी एक्स एक्स वन वाई वन एक्स माइनस एक्स वन, ये होता है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो आप डी वाई बाई डी एक्स निकालो, तो क्या करोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो क्या हो जाएगा, 2y dy by dx इक्वल टू 4, या dy by dx ये चाहिए हमें, तो इसकी वैल्यू बाकी जो है उसको इस साइड ले आओ, तो क्या हो जाएगा, dy by dx इज इक्वल टू 4 अपान 2y, या 4 वन 2 वन जा 2 2 2 जा 4, तो 2 अपान y, ये आ गया। अब क्या दिया है हमें, पॉइंट 1 2 पे दिया है, तो आप पॉइंट 1 2 निकाल लो, क्योंकि ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो 1 2 निकालेंगे तो क्या आया, 1 आ गया, तो इसकी वैल्यू हमें 1 मिल गई, ठीक है। तो अब क्या है, इस वैल्यू में आप पुट कर दो इस इक्वेशन में, तो 1 2 हमें पॉइंट दिया था, तो x1 की जगह 1 रखिए, y1 की जगह 2 रखिए, तो इसमें आप वैल्यू को पुट कर दो, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पता है 1 है, तो माइनस 1 अपान 1 x माइनस 1, ये आ गया। तो सॉल्व किए तो क्या आया, y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस x प्लस 1, या x प्लस y इज इक्वल टू 3। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि गिवन पॉइंट क्या है, हमारा फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले क्या करना है जी, नॉर्मल इक्वेशन निकालने के लिए dy बाई डी एक्स निकालिए,
फिर जो गिवन पॉइंट रहेगा उस पर वैल्यू पुट कीजिए, पुट करने के बाद सारे वैल्यू को इस इक्वेशन में आप रख दोगे तो आपका नॉर्मल का इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ क्या है हमारा अप्रॉक्सीमेशन। तो ये अप्रॉक्सीमेशन क्या होता है जी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ना। यदि मैं बोलता हूँ कि मेरी कोई क्वांटिटी, कोई वेरिएबल या कोई फंक्शन है जिसमें सपोज एक्स फंक्शन है तो उसमें डेल एक्स चेंज हुआ, वाई फंक्शन है तो डेल वाई चेंज हुआ, तो उसमें टोटल चेंज निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, जो मैक्सिमम वैल्यू रहती है उसमें से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो हमें जो डेल चेंज होता है, जो छोटा सा चेंज हुआ रहता है वो मिल जाता है। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए उसको निकालने का हमारे पास वे क्या है, ये कुछ स्टेप्स हैं, उसके बेसिस में आपको निकालना है। तो पहला स्टेप क्या है, चूज द इनिशियल वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स एंड चेंज द वैल्यू एज एक्स प्लस डेल एक्स। सपोज हम लोग एक्स को कुछ चूज किए, कोई वैल्यू चूज किए, उसमें चेंज हो रहा है क्या कि डेल एक्स कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है, वो प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है कुछ भी, ये करना है प्लीज। तो उसके बाद क्या करना है, फाइंड डेल एक्स एंड एज्यूम डी एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स। अब क्या है हमारा एक्स प्लस डेल एक्स हम लोग जो चेंज हुआ था तो उसमें से डेल एक्स को आप फाइंड आउट कर लो, फिर उसको आप एज्यूम कर लो डी एक्स के इक्वल, ठीक है। ये जब हो गया तो तीसरा स्टेप क्या कहता है, डी वाई बाई डी एक्स एक्स वाई निकालो, आप उसका डेरीवेटिव एक बार निकालिए। डेरीवेटिव निकालने के बाद फोर्थ स्टेप में क्या करना है, डी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स जो आप निकाल रहोगे इंटू डेल ऑफ एक्स। ये डेल ऑफ एक्स क्या है, यही वाला हमारा डेल ऑफ एक्स है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई होने के बाद आपकी जो वाई की वैल्यू मिलेगी, पुट डी वाई इज इक्वल टू डी वाई टू ऑब्टेन अन अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वाई। आप जो ये डी वाई जो मिलता है उसकी जगह आप डेल वाई रख दो, जो चेंज मिलता है उसको आप निकाल लो। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यूज डिफरेंशियल अप्रॉक्सीमेट 25 टू द पावर 1/3 है, ये चीज दिया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है हमारा, चूज द इनिशियल वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, इसका आप इनिशियल वैल्यू को चूज कर लो एंड चेंज द वैल्यू एक्स प्लस डेल एक्स। तो हमें क्या चाहिए, इनिशियल वैल्यू चूज करना है और चेंज द वैल्यू चूज करना है। तो सपोज मैंने क्या किया, एक्स इक्वल टू 27 इनिशियल वैल्यू चूज कर लिया और मुझे कितना लाना है जी, 25 लाना है। तो ये कितना ज़्यादा है, 25 से 2 एक्सीड कर रहा है, तो इसलिए मैंने डेल एक्स को क्या ले लिया, माइनस 2 ले लिया। आ रहा है समझ में। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस डेल एक्स है तो एक्स इज इक्वल टू कितना है, 27 है, और डेल एक्स इज इक्वल टू कितना है, प्लस में रहता है तो माइनस 2 लिया हूँ, तो कितना आया, 25 आया। तो वही चीज़ मैं इसको लिखा हूँ, एज्यूम एक्स इज इक्वल टू 27 एंड डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या है, फाइंड डेल एक्स एंड एज्यूम डी एक्स इज इक्वल टू डेल एक्स, ठीक है। तो हमें डेल एक्स निकालना है, तो अब डेल एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि देखिए डेल एक्स तो हमारे पास है ही, अब इसको डी एक्स में एज्यूम कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, डेल वाई तो चाहिए, तो डी वाई निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स करेंगे, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, डेल एक्स निकल जाएगा। सॉरी यहाँ पर एक्स है ना, तो ये डेल एक्स निकल जाएगा। तो डेल एक्स निकालने के लिए क्या हुआ, एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स करोगे तो डेल एक्स मिल जाएगा। इसकी जो जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू क्या थी, 27 वो रख दिया, डेल एक्स की वैल्यू क्या थी, माइनस ऑफ 2 ये रख दिया, और एक्स हमारा कितना है जी, एक्स हमारा 27 यहाँ पे पुट किए हैं, तो उसको रख दीजिए। आप सारे वैल्यू को निकाल रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, 25 टू द पावर 1/3 माइनस 3। तो अब मेरा क्या बचा यहाँ पर, डी वाई बचा है, तो डी वाई प्लस 3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो अब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए आप जो वैल्यू है रख दो, डी वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, वाई की वैल्यू कितनी है हमारी, एक्स टू दी पावर 1/3 ये है हमारा, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, 25 है ना, 25 टू दी पावर 1/3 था, तो एक्स टू दी पावर 1/3 इंटू माइनस ऑफ 2, डेल एक्स कितना है हमारा, माइनस ऑफ 2 है, तो माइनस ऑफ 2 को रख दीजिए। फिर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 1/2 एक्स टू दी पावर माइनस 2 बाई 3 अपान माइनस 2, माइनस 2 अपान, इसको मैं माइनस में आया है तो नीचे लिख दिया वैल्यू को, तो माइनस 2 अपान 1/3 27 2 बाई 3।
इज इक्वल टू 2/3 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का क्यूब हुआ, क्यूब क्यूब कट गया तो 3 का स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर तो -2/27, तो हमारी वैल्यू कितना आ गई -0.074। ये हमें मिल गया किसकी वैल्यू, dy की वैल्यू। तो आप लास्ट स्टेप में क्या बोलता है, dy इज इक्वल टू डेल वाई पुट कर, तो इस dy की वैल्यू को आप यहाँ रख दो डेल वाई में, तो आपको जो चाहिए वो वैल्यू मिल जाएगा, प्लस 3 कर दो यहाँ पर तो आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह से आपको अप्रोक्सीमेशन में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको आपको सॉल्व करना है। आपके बुक में इसी तरह से एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो उसको देख के आप लोग सॉल्व करिए एग्जाम्पल्स वगैरह को, एक्सरसाइज वगैरह को, और उसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो लाइव क्लासेस में उसको पूछिएगा, ठीक है। तो और उसके बाद जो रिमेनिंग चीज़ है उसको लेकर मैं पार्ट 3 आऊँगा, उसमें आपका टॉपिक पूरा क्लियर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप बनाइए, इसमें आपका एक्सरसाइज 6 तक बन जाएगा, 6.6 तक, 6.6 तक आपके सारे एक्सरसाइज कवर हो जाएंगे, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज इसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो इसको आपको बनाना है, एक बार समझिएगा, ऐसे ऐसे स्टेप को फॉलो करते जाइएगा, जो जो पुट करना है पुट करते जाइएगा और बनाइएगा, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है।